दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक होंडा सीवी एसपी साइन आई हुई है। जैसे कि बाइक कस्टमर को कहना है ये बाइक है जो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो चलिए हम फटाफट इसको हम की को ऑन करते हैं। देख सकते हैं हमारा बराबर लाइट जल रहा है, और जो जब की मार रहे हैं हमारा मोटर भी चल रहा है इसका, ये बाइक का आपको मोटर की आवाज़ सुना सुनाई दे रहा होगा। शायद सुनाई दे रहा होगा आपको, चलिए हम मार के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए रोक रहे हैं वीडियो का। यहाँ पर आप आपको दिखा दे कि आप देख सकते हैं तेगलवा बाबा आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तेगलवा बाबा है, आ चुके हैं। जैसे कि इनको कहना है एक बाइक ख़रीदेंगे हम, इन्होंने आया है तो हम सोचा थोड़ा वीडियो बना लें इनको। तो बाबा आप बताइए, आप बाइक कैसा आप लेना चाहते हैं बताइए दर्शकों के। चलो हम बाइक ऐसा लेना चाहते हैं जो उड़न खटोला हो, जंपिंग के जैसा उड़ता हो, कहीं ठोकर पर उसे रोकने का कोई ज़रूरत नहीं, क्यों मेरा साइकिल उसे चलती है। ऐसा हम इंडिया में ढूंढते ढूंढते मैं पता किया कि ये चलवा के पास मिलतेगा। ये नया फैक्ट्री जो पावर ग्रिड तेगलवा के बाप है, जो ऐसा एक गाड़ी यहाँ मिलेगा, ये विश्वास दिलाया कि बाबा हम फिटिंग कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, और वैसे हम बना के फिटिंग आपको पेश करेंगे जो इंडिया में कहीं कंपनी में नहीं मिलेंगे। जो ना पाँव की परेशानी होगी थी, चलवा यम्मा यम्मा का गाड़ी चाहिए जो मौत के कुएं में भी वो चल सके। वो मौत के कुआं तो आप देखे हो चुके होंगे, खतरों का खिलाड़ी, ऐसा बारूद बारूद जो उल्टा भी चले तो गिरे ना, और चुमक उसमें होगा चक्का में, ऐसा बात है। इसी दुकान पर हमने आए हैं, अगर किसी दशक को चाहता है ऐसा। अब आपको तो ऐसा गाड़ी तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपके लिए, स्पेशल गाड़ी बनाना पड़ेगा, तो क्या आप बोलते हैं आपको तैयार किया जाए ये बाइक? हाँ हम ऐसा ही चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, यानी सुशील हमारी गाड़ी सुशील हो, क्योंकि जैसे शरीर नहवाते हैं वैसे उनको भी हम नहवाते हैं, हम उसको पूजा करते हैं, इसलिए हमारा मशीन पावर ग्रिड हो वो उसमें फिर। हाँ दर्शकों इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब करिएगा, और ये चलवा मेरे को मोटरसाइकिल अब बुरा जैसे चाहता हूँ वैसे ये फिटिंग कर रहा है, और आप सब भी की भी इंतज़ार है कि जो और भी दर्शक है आपका तेगलवा चाहने वाले, तो आप कह दीजिए कि यहाँ आए। हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि इस चलवा के पास गोरिया कोठी में आए, और मोटरसाइकिल मन मन खुश हो जाएगा, ऐसे ऐसे फिटिंग साइकिल मोटरसाइकिल मिलते हैं, लाइव सब्सक्राइब करना है। दोस्तों देख सकते हैं ये तेगलवा बाबा थे जो आपको हम दिखा दिए, उन्होंने एक बोला है बाइक बनाने के लिए, और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो हम सोचे थे थोड़ा तेगलवा बाबा को बाइक भी बना दिया जाए। तो चलिए दोस्तों वो बाइक बनेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे उन्होंने, और हम बाइक है जो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए हम फटाफट इसको प्लग को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत हुआ है, क्यों नहीं बाइक स्टार्ट रही है, कोई भी चेक लाइट सिग्नल भी कोई नहीं दिखा रहा है। देख सकते हैं ये बंद हो गया। चलिए हम फटाफट इसको सबसे पहले हम प्लग को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। बाइक है जो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए हम फटाफट इसको प्लग को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत हुआ है, क्यों नहीं बाइक स्टार्ट रही है, कोई भी चेक लाइट सिग्नल भी कोई नहीं दिखा रहा है। देख सकते हैं ये बंद हो गया। चलिए हम फटाफट इसको सबसे पहले हम प्लग को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। जैसे कि हमने प्लग को ओपन कर लिया है,
चलिए हम करंट वगैरह चेक करते हैं। तो दोस्त देख सकते हैं हमारा करंट भी बराबर आ रहा है इस बाइक में, जैसे कि देख सकते हैं की को हमने ऑन करेंगे, उसके बाद करंट भी हमारा बहुत तेज आ रहा बाइक का। इधर तक सब सही है, अब प्लग को हम लगा कर थोड़ा चेक करते हैं। प्लग हमारा सही है या नहीं है, टंकी का मोटर भी चल रहा है, प्लग भी सही है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको करंट भी हमारा बराबर आ रहा है। चलिए हम इसको तेल को देखेंगे, सप्लाई बराबर आ रहा है कि नहीं, कोई सिग्नल भी नहीं दिखा रहा। अब हम इस पाइप को ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें पेट्रोल आ रहा है, बराबर फेंक रहा है या नहीं। चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसको ओपन करेंगे, जैसे कि हम ओपन करने के लिए थोड़ा सा ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, अब थोड़ा इसको दाबेंगे, हल्का इसको, ओपन हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमको जहाँ तक नज़र आ रहा है इसमें पानी ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें पानी इसमें भर गया है, देख सकते हैं। हम की को ऑन करेंगे, देखिए ये सब पानी है, इसमें लगता है कोई पानी डाल दिया है, उस प्रकार से पानी निकल रहा है। आपको दिखा दे, इसीलिए बाइक थी जो ये स्टार्टिंग नहीं हो रही थी। देख सकते हैं ये पूरी टंकी में पानी है, जैसे देख सकते हैं ये पानी है, पूरी टंकी में पानी भर जाने के कारण ये सब पानी है, पेट्रोल एक भी ज़रा सा भी नहीं निकल रहा, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, इस प्रकार से दिक्कत आया हुआ है। हमको सब पेट्रोल जो इसका है सब निकालना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाइक स्टार्ट होने वाली है। आपको दिखाते चले, इस प्रकार से फ्यूल में भी कचरा पड़ जाता है, ये पेट्रोल नहीं है, देख सकते हैं इस बाइक में पूरी पानी है। तो हम चलिए हम फटाफट इसको सब पानी को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पानी है, चूरा कोई सा पेट्रोल नहीं है, इतना पानी घुसा हुआ है। हम पानी को निकालेंगे, इसको हम पूरे पेट्रोल पानी का ये इसमें पेट्रोल पानी दोनों मिक्स मिक्स है, इसी के कारण जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको निकालने का देख सकते हैं, इसमें पेट्रोल भी है पानी भी मिक्स है, इसी के कारण है जो देख सकते हैं हम निकाल रहे हैं, थोड़ा पेट्रोल भी है। ज़्यादा पेट्रोल इसमें नहीं दिखाई दे रहा, पानी मिक्स है, दोनों ही मिक्स है। दोस्तों इसमें पूरी 1 लीटर पेट्रोल पानी दोनों मिक्स निकला। इसको भी हम ओपन करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं इसको सब हम निकालेंगे, मोटर में जितना है फिल्टर वगैरह सब साफ करेंगे, ऑन करके इसको भी जो है हम ओपन करेंगे, जो बच्चा हो जा होगा वो भी निकल गया। देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों में से थोड़ा पानी निकल रहा है, इसलिए हम टंकी को ओपन करने वाले हैं और देखेंगे कितना सारा पानी निकल गया है। इसको
ओपन करके हम टंकी को साफ करके उसके बाद ही हम इसको लगाएंगे ताकि फिर दोबारा ऐसे प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका पानी जाने का कारण यही है, बारिश में ये भीगी हुई है बाइक, और इसमें जो है ये छेद तो ये पूरा होल जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल जाम है। आपको दिखाते चले, इसमें थोड़ा सा भी ऑयल डालने पर, देखिए तेल भी डालने पर ये नहीं गिर रहा। यहाँ पे होल जो होता है वो बिल्कुल जाम है, इसी के कारण है जो बाइक में उतना सारा पानी बारिश में के होने के कारण ये इसमें गया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हमको टंकी का जो होल है पानी वाला होल यहाँ पे, उसको हमको ओपन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसके बाद टंकी भी वॉश करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये जो है इसको हम ओपन करते हैं ये दोनों को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने ये फ्यूल पंप पे इसको सफाई करेंगे, देख सकते हैं अभी भी पानी गिर रहा है, इसको पूरे वॉश करेंगे, इसमें पानी भरा हुआ है। चलिए हम इसको थोड़ी हिला डुला के पानी निकालते हैं, इसके बाद हम खोलते हैं, देखते हैं इसको खोलकर सफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं ये हमारा ओपन हो गया, चलिए अब इसको ओपन करते हैं थोड़ा। स्क्रू ड्राइव के सहारे से बहुत आराम से ओपन करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आपको बताते चले, इसी के वजह से जो है ये इसमें बारिश हुआ और पानी घुस गया, ये जाम था बिल्कुल छेदा। अब हम इस पूरे होल को साफ कर लिए हैं, देख सकते हैं इसमें अब पेट्रोल भी डाल रहे हैं, देख सकते हैं इसमें पानी जाए बिल्कुल नहीं रुक रहा, देख सकते हैं पूरा होल साफ हो गया है, देख सकते हैं नीचे भी गिर रहा होगा पेट्रोल। इसको वॉश कर लिए हैं, होल को छेद को पूरी साफ कर लिए हैं। अब ये फ्यूल पंप है जो इसमें हम फिट कर लिए हैं। इस फ्यूल पंप में आपको बता दें कि इसका जो फिल्टर है वो साफ़ किया हमने, क्योंकि फिल्टर चेंज करना पड़ता, लेकिन हमने साफ़ कर दिया वही फिल्टर, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसके लिए वही फिल्टर लगा दिए, आपको फिट कर दिए हैं। अब चलते हैं बाइक में इंस्टॉल करने, आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो ये गोरिया कोठी कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम इस फ्यूल पंप को लगाने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें वॉश कर लिए थे, वॉश करने के बाद इसको फ्यूल पंप को लगाने वाले हैं। तो फाइनली बाइक हो चुका है तैयार, हमने फ्यूल पंप और पूरी हमने चेक कर लिया है, देख सकते हैं अभी फ्यूल पंप डालकर पूरी चेक कर लिया। चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बाइक को, देख सकते हैं की को ऑन करेंगे और सेल्फ लेंगे, 300 से आवाज फाइनली बाइक हमारा ओके हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है।